हे गाइस, व्हाट्स अप। हम ये बात तो अच्छे से समझते हैं कि हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं, और ये बात समझते हुए हम कई सारे इंग्लिश के सेंटेंसेस रोज बोलते भी हैं। लेकिन फिर भी हम कई ऐसी जगह फंसते हैं जो वैसे तो बहुत बेसिक बातें हैं, लेकिन इंग्लिश बोलते वक्त हमारा कॉन्फिडेंस हिला देती हैं। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि राहुल गोज टू स्कूल होता है, लेकिन वी गो टू स्कूल भी होता है। दोनों ही सेंटेंसेस में एक्टिविटी स्कूल जाने की ही हो रही है, लेकिन एक सेंटेंस में गो कहा गया है और दूसरे सेंटेंस में गोज कहा गया है। लेकिन ऐसा क्यों है? चलिए देखते हैं कि आज एक्सप्रेस इंग्लिश के टीचर्स हमारा ये कन्फ्यूजन कैसे दूर कर पाएंगे। आई एम श्योर आपने नोटिस किया होगा कि हमने पहले सेंटेंस में राहुल गोज ऐसा कहा था, जबकि दूसरे सेंटेंस में वी प्ले ऐसा कहा। राहुल के साथ गोज और हम लोग सब्जेक्ट के साथ गो, इंग्लिश के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल के हिसाब से होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह हम हिंदी में भी राहुल जाता है ऐसा कहते हैं, जबकि सोनाली जाती है ऐसा कहते हैं, और हम लोग जाते हैं ऐसा कहते हैं। इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी SVA के दो रूल्स होते हैं। इन्हें हम शर्मा और वर्मा फैमिली की मदद से समझते हैं। ही शी इट या सिंगुलर नंबर SN एस फैमिली अर्थात शर्मा फैमिली के मेंबर्स हैं। यानी जहां भी ये सब्जेक्ट होंगे वर्ब में S या ES लगेगा, इसे हम S फैमिली के सब्जेक्ट्स कहेंगे। क्योंकि पहले एग्जाम्पल में राहुल ये सिंगुलर नंबर SN सब्जेक्ट है, इसलिए शर्मा फैमिली का है, इसलिए बेसिक सेंटेंस राहुल गोज होगा। वहीं दूसरे SVA रूल के हिसाब से जब नॉन एस फैमिली अर्थात वर्मा फैमिली के सब्जेक्ट वी यू दे प्लूरल नंबर PN होंगे, तब वर्ब के साथ एस और ES नहीं लगता है, इन्हें नॉन एस फैमिली का सब्जेक्ट कहेंगे। चूंकि दूसरे एग्जाम्पल में सब्जेक्ट हम लोग यानी वी है, इसलिए मूल वाक्य वी गो होगा। तो देखा आपने कि कैसे हमें कहां गोज या डज का यूज करना है और कहां गो और डू कहना है। एक्सप्रेस इंग्लिश के टीचर्स कितने पुराने कन्फ्यूजन्स दूर करके कितनी आसानी से मिनटों में हमें समझा देते हैं। आगे और भी कुछ नया सीखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स फ्रॉम एक्सप्रेस इंग्लिश बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।